मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांचं सीएए आणि एनआरसी बाबतचं विधान सध्या चर्चेचा विषय ठरलंय. भारतात जन्माला आलो असलो तरी आपल्याकडे जन्म दाखला नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय, मात्र वेळ येईल तेव्हा आपण सिद्ध करू असंही त्यांनी नमूद केलंय. आपल्या नागरिकतेला धोका नाही, त्यामुळे कोणत्याही मुस्लिम नागरिकाला धोका असण्याचं कारण नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मुंबईतील शांतता भंग होऊ नये यासाठी काही डाव्या विचारसरणीच्या लोकांना मोर्चा काढण्याची परवानगी दिली नसल्याचंही त्यांनी मुस्लिमांच्या शिष्टमंडळासमोर बोलताना स्पष्ट केलंय. बात रही बच्चों की, जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके तो सारे कागजात हैं, यही देश में पैदा हुए, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी है, उन्हें कोई आज नहीं आ सकती. आज किसको आ सकती है? मेरे जैसे को, मैं घर में पैदा हुआ, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कागज भी नहीं है. तो मुझे शायद प्रूव करना पड़ेगा मैं कहां पैदा हुआ. आज देश का मुलाजिम हूं, ये सिटी का कमिश्नर हूं, लेकिन मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं. क्योंकि मेरे मामा घर में ही डॉक्टर थे, घर में ही बर्थ डिलीवरी हुई थी. ऐसा होता था 50-60 साल के पहले, ये होता था गांवों में भी, अभी भी होता होगा. मुंबई पुलिस को कुछ लोग परमिशन मांगने भी अभी घूम रहे हैं, ज्यादा करके लेफ्ट के लोग हैं, हम जानते हैं, बैकग्राउंड भी जानते हैं, क्या चाहते हैं वो भी जानते हैं. ठीक है, अभी तक परमिशन दी नहीं है, और जिस चीज को परमिशन नहीं दी है उसमें आप सम्मिलित नहीं होना है. यदि कोई मीटिंग मांगता है हम देंगे, मीटिंग मांगो, एक जगह ले लो, वहां परमिशन ले लो, करो, कोई तकलीफ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होता है. लेकिन परमिशन जिसे चीज को नहीं है वो चीज करने जाओ और बाद में कहो कि हमारा राइट बन गया, नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन सही ढंग से सही मायने में समझ नहीं रहे हो. तो हमारे पास जो आता है परमिशन के लिए उसको हम सही परमिशन देते कि जो समाज के फायदे की चीज है. इतनी बड़ी परमिशन वही दी अगस्त क्रांति मैदान में, धारावी में दी. कल प्रकाश अम्बेडकर जी भी एक परमिशन मांग रहे थे, उन्होंने हम बैठ के मीटिंग की परमिशन दी, मोर्चे की नहीं थी, पर वो भी मान गए कि ठीक है मोर्चा नहीं निकालेंगे. लेकिन अभी भी कुछ लोग जिद पे है कि मोर्चा निकालेंगे और यही इलाके से निकालेंगे. नहीं, अभी तक नहीं दी, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है. आपका प्रोटेस्ट जिसको करना है किसी भी मुद्दे पर करना है, तकलीफ नहीं, आप कह सकते हैं. आपका कहना कहने का हर एक को हक है, वो हक हमें भी मंजूर है, लेकिन उसका तरीका होता है.